हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश। स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल सोलर एनर्जी में। दोस्तों, किसी व्यूवर ने मुझसे कमेंट करके पूछा है कि सर बताइए, सोलर पावर प्लांट में रो टू रो के बीच में उतना डिस्टेंस क्यों दिया जाता है? ठीक है, यानी दो रो के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस क्यों छोड़ दिया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा ये टॉपिक है और ये टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन भाइयों के लिए जो सोलर पावर प्लांट में काम करते हैं या करवाते हैं, या फिर जो मेरे भाई या जो मेरे व्यूवर्स सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी व्यूवर इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सब्सिडी के ऊपर होगा। ठीक है, हम उसमें आपको बताने वाले हैं कि सोलर पावर प्लांट लगाने से गवर्नमेंट कितना सब्सिडी देती है और सब्सिडी लेने का क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं उस वीडियो बना करके मैं डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक पे और हम उसको डिस्क्राइब करके आपको बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, रो टू रो के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा इसलिए छोड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए कि इवनिंग के समय में सूरज की जो किरणें होती है वो तिरछी पड़ने लगती है। ठीक है, जब सूर्य की किरणें किसी भी चीज़ पर तिरछी पड़ती है तो उसका जो शैडो होता है वो ज़्यादा दूर तक जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए रो टू रो का अगर हम डिस्टेंस कम रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी तो जो हमारा टेबल पे जो हमारा सूर्य किरणें जो पड़ रही है, ठीक है, फर्स्ट टेबल पे, उसका जो प्रतिबिंब होगा या फिर जो उसका शैडो होगा वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। ठीक है, अगर हम मान लीजिए टेबल टू टेबल अगर हम नज़दीक में रख रहे हैं तो क्या होगा कि एक जैसे मान लीजिए इस टेबल का शैडो जो है इस टेबल पे आ जाएगा। ठीक है, इस टेबल पे आ जाएगा तो क्या होगा कि जैसे ही किसी भी मॉड्यूल पे या सूर्य पैनल पे या ये प्लेट पे जब छाया पड़ने लगता है तो उसका करंट का जो जनरेशन होता है वो लॉस होने लगता है। ठीक है, उसी जनरेशन के लॉस को अवॉइड करने के लिए, बचाने के लिए टेबल टू टेबल का जो डिस्टेंस वो बढ़ा दिया जाता है ताकि एक दूसरे टेबल का जो शैडो बनेगा वो ओवरलैप नहीं करेगा, एक दूसरे पर चढ़ेगा नहीं। ठीक है, और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि अगर हम उसको नज़दीक कर देंगे तो एक दूसरे ओवरलैप हो जाएगा, और जब ओवरलैप हो जाएगा तो मतलब करंट का जो जनरेशन होगा वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मेन बेसिक बेस पॉइंट यही रहता है कि मतलब करंट का जो जनरेशन है, एनर्जी का जो जनरेशन है हमारा, जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है उसका लॉस ना हो। ठीक है, उसी को अवॉइड करने के लिए उसका रो टू रो का जो डिस्टेंस है हम उसको बढ़ा देते हैं ताकि एक दूसरे का जो शैडो बनेगा वो ओवरलैप नहीं करेगा, एक दूसरे पे नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमको मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने में। ठीक है, और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, यदि आपके फिर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियो बना करके उस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।